पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का निधन। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मंगलवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। जिस वक्त हादसा हुआ उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड रीना राय भी कार में थी। फिलहाल वो अस्पताल में हैं और उनकी हालत सही बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा रात करीब 9:30 बजे हुआ। पुलिस हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। पुलिस उनकी महिला दोस्त से पूछताछ कर रही है। ये हादसा हरियाणा में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर खरखौदा के पास हुआ। दीप सिद्धू दिल्ली से भटिंडा जा रहे थे, इसी दौरान खरखौदा के पास उनकी स्कॉर्पियो कार एक ट्रक में जा घुसी। हादसे के बाद दीप को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। दीप सिद्धू किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में भड़की हिंसा के वक्त चर्चा में आए थे। लाल किला पर झंडा फहराने और हिंसा भड़काने के आरोप में उन पर केस भी दर्ज हुआ था। सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने पिछले साल फरवरी में गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा एक ट्रैक्टर रैली के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जो प्रदर्शनकारियों के लाल किले में आने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के बाद हिंसा में बदल गई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री चन्नी ने ट्वीट किया, प्रसिद्ध अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता दीप सिद्धू के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं।